जयपुर में एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है और घटना ऐसी है जो आपकी रूह कपा देगी। बता दें कि जयपुर में फंदा लगाकर एक स्कूल स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। उसका कारण अगर आप जानेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। एक शिक्षक और स्टूडेंट का रिलेशन ही ऐसा है जिससे ज्ञान मिलता है, लेकिन आज के समाज को देख कर यह कहावत गलत साबित होती हुई नजर आ रही है और ऐसा ही कुछ राजधानी जयपुर में देखने को मिला है। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं ज्योति राघव और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आपको बता दें कि जयपुर में फांसी लगाकर एक स्कूल स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है और साथ ही मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा है। इस नोट में लिखा कि दो मैम की इच्छा पूरी हो जाएगी, टीसी काटने की धमकी देती थी। बता दें कि स्टूडेंट सीतापुरा शिवदासपुरा के रहने वाला है, महज उसकी उम्र 15 साल है। वह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल विधानी में 9वीं क्लास में पढ़ता था। 9 सितंबर को दोपहर में कमरे में साड़ी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना के बाद शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फंदे से शव को उतारकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी भिजवा दिया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। इसके साथ ही मृतक के पिता ने सुसाइड नोट के आधार पर स्कूल की 2 महिला टीचरों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। जनता दरबार में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं और